हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ का दिन है। दोस्तों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों महाशिवरात्रि की। आज के दिन मार्केट बंद है, फिर भी दोस्तों कुछ स्टॉक में जो है कि रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। दोस्तों चलिए दोस्तों उस स्टॉक को जान लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर। दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर में दोस्तों काफ़ी लोग जो है कि फंस चुके हैं, तो चलिए दोस्तों फंसे हैं कि क्या है सारी रणनीति जान लेते हैं। दोस्तों कैसा स्टॉक है, क्या करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं फटाफट स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कंपनी का, सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का जो है मार्केट कैप। दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि दोस्तों अच्छा खासा, दोस्तों पूरा FMCG सेक्टर जो है परेशान है दोस्तों, इसलिए आप लोग भी परेशान हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों और देख लीजिए इसका करंट प्राइस 750 है, जो कि हाई लेवल जो था दोस्तों 1138 का है, 52 वीक का हाई दोस्तों, और 646 रुपये के आसपास इसका लो है। ध्यान ये देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर की कंपनी जो है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर ही आती है, पहला दूसरा लगा ही रहता है दोस्तों। कभी डाबर ऊपर चला जाता है, कभी गोदरेज नीचे आ जाता है, कभी गोदरेज ऊपर चला जाता है, कभी डाबर नीचे आ जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों और कुछ देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहते हैं दोस्तों। देखिए हम मार्च 2019 से देख रहे हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों। ओके चलिए दोस्तों आ जाते हैं सीधा प्रॉफिट के ऊपर। ये देखिए दोस्तों 935, फिर 400, 414, फिर 450, 250, 395, फिर 450, 396, 414, उसके बाद दोस्तों ये देखिए 528 दोस्तों, जो कि दिसंबर का है क्वार्टरली रिजल्ट। दोस्तों देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप ही है दोस्तों। आगे चलिए देख लेते हैं कुछ और। चलिए देखिए दोस्तों 2010 से दिखा देते हैं दोस्तों, इसका PNL देख लेते हैं 2010 से दोस्तों। चलिए देखो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं डायरेक्ट दोस्तों। देखिए 350, 700, 760, 960, 900, 800, 1300, 1600, 2300, 1400, 1700, 1700 दोस्तों। देखिए दोस्तों कंपनी जो है कंसिस्टेंसी दो है दोस्तों, कुछ कंसिस्टेंसी मतलब कि मैटर दोस्तों क्या है कि जिस प्रकार से इसके प्रॉफिट और वो सब है दोस्तों, उसी प्रकार से जो है दोस्तों कि ये देखिए 23 आया, फिर 14 हो गया, फिर 17, फिर ऐसे ही दोस्तों चल रहा है। एक क्वार्टर भी बाकी है जो कि हमको लगता है कि 2000 को बीट कर देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुछ जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये देखिए रिजर्व देख लेते हैं दोस्तों। रिजर्व देखिए इसके जो है दोस्तों 10375 करोड़ के हैं जो है दोस्तों। बोरिंग जो है 2224 के आसपास दोस्तों बोरिंग भी है। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों FIs ने दोस्तों माल को जो है कि डाउन किया है, प्रमोटर ने भी कुछ दोस्तों 1.1 में जो है कि डाउन ही किया है दोस्तों। जो है DIs ने दोस्तों माल को बढ़ाया है दोस्तों, उसके बाद जो है कि पब्लिक ने भी दोस्तों माल को जो है बढ़ाया ही है दोस्तों। दोस्तों जहाँ DIs और FIs जो है, FIs तो इस समय दोस्तों सारे शेयरों में सेलिंग करते हुए दिखे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों FIs को अपने को नहीं देखना है दोस्तों, मेन अपने को क्या देखना है, DIs हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जहाँ FIs ही आएंगे वही दोस्तों शेयर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। DIs भी अपने दोस्तों देखो इनके पास क्या है, लिंक रहते हैं, सोर्स रहते हैं, इनके पास बहुत सारे दोस्तों एक क्या है सीधा 100-150 करोड़ जो है एक साथ ही कंपनी में जो है इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। अपने को क्या है 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10, 20 हज़ार रुपये लगाते हैं दोस्तों। ओके चलिए दोस्तों इसके चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, अभी क्या हो रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट के ऊपर दोस्तों। ये जो है कि देख लीजिए दोस्तों, ये रहा गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों। ये देखिए अभी आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों ये रहा 5 दिन का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। 5 दिन में 2%, 1 महीने में दोस्तों 14 से 15% डाउन है दोस्तों, 6 महीने में दोस्तों 30% डाउन है दोस्तों। ये देखिए 30%, जो कि दोस्तों 30% डाउन होने का मतलब समझ लीजिए दोस्तों एक इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। एक साल का रिटर्न देख लेते हैं, एक साल में दोस्तों 11 से 12%। देखिए दोस्तों ये FMCG सेक्टर है दोस्तों। अभी क्या हुआ है इसमें दोस्तों, जो यहाँ की तेज़ी थी ना, यहाँ की तेज़ी, यहाँ पे कितने लोग ले जा करके बाइंग कर लिए दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर, अब उनको ये लग रहा है कि फंस गए। लेकिन दोस्तों ये तेज़ी किस कारण थी आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। ये तेज़ी चलिए हम ही आपको बता देते हैं दोस्तों, आप कमेंट कर देना गलत है कि सही। दोस्तों HUL के जो मैनेजमेंट थे दोस्तों ये जो तेज़ी है, तेज़ी ये वाला दोस्तों, ये तेज़ी इसलिए है कि दोस्तों जो HUL के मैनेजमेंट थे दोस्तों, उन्होंने गोदरेज कंज्यूमर को ज्वाइन किया था दोस्तों अक्टूबर मंथ में दोस्तों, शायद ऐसे ही कुछ था। आप हमको कमेंट करके बता देना अगर एग्जैक्ट हम सही होंगे तो। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे जो है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी ले लिए, अब यहाँ पे उनको जो है कि दोस्तों यहाँ पे आ गया स्टॉक। अब स्टॉक आप यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अब उनको ये लग रहा है कुछ गड़बड़ है दोस्तों, कोई भी गड़बड़ नहीं है। चलिए दोस्तों हम कुछ न्यूज़ भी देख लेते हैं अगर है तो।
देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये थोड़ा स्लो चलता है दोस्तों। ये जो है ऐसे 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 दोस्तों, देखिए इसका 5 साल का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा स्लो चलता है दोस्तों। अब जिन्होंने मान लो हाई रेट पे ले लिया दोस्तों, इसको बस इतना ही कहेंगे दोस्तों, होल्ड करें दोस्तों, या एवरेजिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। कोई बुरा स्टॉक नहीं है दोस्तों, कोई गलत नहीं, इनके जो है वर्ल्ड लेवल के बिजनेस है दोस्तों। ओके दोस्तों, दोस्तों जो है कि इसमें कोई भी न्यूज़ नहीं है, और दोस्तों हम तो इतना ही कहेंगे बस दोस्तों, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।